नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिस्टर वी यूट्यूब चैनल। आज की इस कमाल की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ कमाल की टेक न्यूज़। तो मेरा नाम है भानु प्रताप और वी न्यूज़ देख रहे हैं आप। सैमसंग गैलेक्सी S9 S9 Plus की तरफ से जो इस न्यूज में जो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर लीक्स आई है कि हमें जो है हमें सैमसंग गैलेक्सी S9 S9 Plus के जो है एक कलर वेरिएंट देखने को मिल सकता है। जो कलर वेरिएंट है वो है लाइलैक पर्पल या लाइलैक वॉयलेट या बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो है लाइलैक पर्पल नाम का कलर जो है वो आपको इस वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा गैलेक्सी S9 S9 Plus का। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कैमरा मॉड्यूल की बात भी यहाँ पे सामने आई है, तो जो कैमरा मॉड्यूल है वो आपको देखने को मिलेगा सोनी का IMX 345 सेंसर। तो फ्रेंड यहाँ जो अगली न्यूज आती है वो आती है एंड्रॉइड की तरफ से। तो ये एंड्रॉइड का जो नोगट वर्जन है वो फाइनली हो चुका है सबसे ज्यादा पॉपुलर, यानी ये जो एंड्रॉइड नोगट है उसकी एडॉप्टेशन सबसे ज्यादा हुई है फिलहाल। और यहाँ पर मतलब एंड्रॉइड ओरियो का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अभी तो उसके अपडेट्स आना शुरू हुए हैं। तो एंड्रॉइड ओरियो का डिस्ट्रीब्यूशन 1.1% है, वहीं अगर एंड्रॉइड नोगट की बात करें तो 28.5% यहाँ पर एंड्रॉइड पहुंच चुका है। और पता है एक चौंकाने वाली बात ये है कि यहाँ पर 0.3% लोग अभी भी जिंजर ब्रेड एंड्रॉइड को यूज करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ जो अगली न्यूज आती है वो आती है जियो की तरफ से। जियो का ऑब्वियसली यार प्लान तो बड़े अच्छे आते रहते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक प्रीपेड यूजर्स के लिए बहुत अच्छा प्लान है कैशबैक ऑफर का। तो ये प्लान है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जो है जियो का 799 का ओवरऑल कैशबैक आपको देखने को मिलेगा जब आप 399 या उससे ऊपर का कोई रिचार्ज कराएंगे। तो ये जो कैशबैक वो होगा कैसे कि जियो कस्टमर जो है वो जब भी रिचार्ज कराएंगे तो उन्हें 400 रुपये जो है वो उन्हें मिलेंगे वाउचर्स उन्हें। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको कैशबैक मिल सकता है वॉलेट में 399 रुपीज़ तक का। तो यहाँ पर ओवरऑल 799 रुपीज़ का आपको कैशबैक देखने को मिल सकता है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पर 400 रुपये के जो वाउचर्स है वो तो यहाँ पर डेफिनेटली पक्की हैं, आप जब आप रिचार्ज कराएंगे तो वो आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ जो अगली न्यूज आती है वो आती है वोडाफोन की तरफ से। तो वोडाफोन रेड जो है उसका एक प्लान जो है वो लॉन्च किया गया है जो है 399 रुपीज़ का। इसके अकॉर्डिंग जो आपको मिलेगा इस प्लान में वो होगा 1 GB डेटा पर डे, 100 SMS मिलेंगे, नेशनल रोमिंग मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको अनलिमिटेड फ्री एक्सेस मिलेगा मूवीज का, 4000 रुपये की जो प्राइसिंग है मूवीज की वो उनका फ्री एक्सेस मिलेगा। और जो फ्री एक्सेस होगा वो होगा वोडाफोन प्ले की तरफ से। तो आप जो है एक साल तक उस मूवीज का भी लुत्फ उठा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जियो वोडाफोन और मतलब इन सब में तो कंपटीशन चलते रहता है, एयरटेल भी कोई पीछे नहीं है, तीनों कंपनियां लगी पड़ी हैं, लेकिन आइडिया कहीं खो गया है। तो आप भी मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा आप क्या यूज़ करते हैं, जियो यूज़ करते हैं कि आपके पास नेटवर्क उसके आते हैं, क्योंकि डेफिनेटली नेटवर्क की वजह से ज़्यादातर लोग जियो यूज़ नहीं कर पाते हैं। आप भी मुझे नीचे बताएगा आपका कौन सा नेटवर्क प्रोवाइडर आपको पसंद है। तो फिर यहाँ जो अगली न्यूज़ आती है वो आती है गूगल के पिक्सल की तरफ से। तो गूगल पिक्सल 2 में ऑब्वियसली यार आपको पता है इमेजिंग बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी फोटोज़ क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो है फोटोज़ क्लिक करने के लिए जो है उसमें एक डेडिकेटेड चिप थी, जो चिप थी वो थी वर्चुअल कोर इमेज प्रोसेसिंग चिप। तो यहाँ पर बात कुछ ऐसी थी कि स्टार्टिंग में जब ये दोनों आए थे मतलब गूगल पिक्सल 2 और पिक्सल 2 XL, तो उनमें जो चिप जो थी वो इनबिल्ट जो गूगल का ऑफिशियल ऐप है कैमरा का उसी में काम करती थी। अगर आप दूसरे किसी एप्लीकेशन से उस मतलब क्लिक करेंगे फोटोज़ तो वो चिप आपके इमेज को एनहेंस करने के लिए नहीं काम करेगी। तो यहाँ पर जो बात कुछ ऐसी है कि गूगल ने कह दिया है कि यहाँ पर जो है अब आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लिए भी इस चिप का एक्सेस मिल जाएगा, और ये जो एक्सेस होगा वो आपको मिलेगा फरवरी मंथली अपडेट में। तो देखते हैं फरवरी में कब आता है गूगल पिक्सल 2 XL और 2 का अपडेट। तो फ्रेंड्स जो अगली न्यूज आती है वो आती है अमेजोन की तरफ से। अमेजोन इंडिया, जैसे कि आप लोगों को पता है अमेजोन इंडिया में जो है UPI से पेमेंट नहीं होता, तो यहाँ पर जो है अमेजोन ने कह दिया है कि अब हम भाई UPI से पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पर जो UPI का पेमेंट है वो मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का पेमेंट कर पाएंगे, 10,000 से ऊपर का कोई भी पेमेंट जो है वो UPI से नहीं किया जाएगा अमेजोन इंडिया पर। और यहाँ पर मतलब यूज़ करेगा UPI ID आपकी सबसे पहले यहाँ पर जो है वो यूज़ की जाएगी, और उसके बाद जो है पेमेंट मेथड में आगे प्रोसीड किया जाएगा। और ये जो मोबाइल वाली साइट होती है और एप्लीकेशन जो है अमेज़ॉन की, उसी के थ्रू आप जो है UPI पेमेंट कर पाएंगे मोबाइल के साथ सा मतलब लैपटॉप या वेबसाइट जो आपको कंप्यूटर वेबसाइट मिलती है उसमें जो है UPI पेमेंट का ऑप्शन नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ जो अगली न्यूज़ आती है वो आती है दोबारा से सैमसंग की गैलेक्सी S9 की तरफ से, मतलब S9 की तरफ से नहीं है। यहाँ पर जो है सोर्सेज से ये पता चला है कि S9 के बाद जो है जमानी यानी ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले साल जो है S10 लॉन्च होगा, लेकिन यहाँ पर जो है बात कुछ ऐसी है आपको S10 देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सैमसंग X
तो यार मतलब सैमसंग S10 जो है यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, तो देखते हैं यहाँ पर जो है मतलब सैमसंग छुटकारा पाना चाह रहा है अपनी S सीरीज से, नाम को जो है चेंज करने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो अगली न्यूज आती है वो आती है स्मार्ट वॉच की तरफ से, जिसकी प्राइसिंग है मात्र $99 और $99 में खास बात आपको इस स्मार्ट वॉच में मिलने वाली है वो ये है कि इस स्मार्ट वॉच में आपको 1 महीने का बैटरी बैकअप देखने को मिलने वाला है और जो है स्क्रीन की इस स्मार्ट वॉच की हमेशा खुली रहेगी, मतलब ऑन रहेगी। आप जो है जब भी चाहे ऐसे करके टाइम देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी बटन वगैरह दबाने की जरूरत नहीं जब आपको टाइम वगैरह चेक करना या कोई फंक्शन एक्सेस करना हो, ऑलवेज ऑन रहेगी स्क्रीन और 1 महीने का आपको बैकअप देगी यहाँ पर बैटरी बैकअप। और जो कंपनी है वो है युआमी, जिसको कि शाओमी ने खरीद लिया था और शाओमी के अंडर ही ये काम करती है उसने। और जो नाम है इस स्मार्ट वॉच का वो है अमेज फिट बिप, और यार अभी US में अवेलेबल है अमेज फिट की वेबसाइट पर, लेकिन फिलहाल देखते हैं इंडिया में कब तक आएगी। लेकिन डेफिनेटली मतलब बहुत अच्छी बात है, 1 महीने का आपको ये बैकअप बैटरी बैकअप देने वाली है। तो आप भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा क्या आपको ऐसी स्मार्ट वॉच अच्छी लगेगी जो आपको मतलब लगभग 6,000 के रुपए में मिल जाए, 6,400 तक के में, और आपको 1 महीने तक बैटरी बैकअप दे एक चार्ज में, बताइएगा नीचे कमेंट्स में। तो मैंने जो अगली न्यूज़ आती है वो आती है HTC U11 Plus के बारे में। तो ये जो स्मार्टफोन है वो आपको इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये जो स्मार्टफोन है वो आता है Qualcomm Snapdragon 835 की तरफ से। खैर यहाँ पर 845 भी देखने को मिलता है, लेकिन इस फोन में यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ पर लेटेस्ट प्रोसेसर यूज़ नहीं किया गया है Qualcomm Snapdragon का। और यहाँ पर 6 इंचेस की 18:9 की एक्सपेक्ट रेशियो वाली स्क्रीन आपको HTC में देखने को मिलने वाली है, यानी कमाल की बात है यहाँ पर। और जो रैम वेरिएंट है वो है 4GB और 6GB इंटरनल मेमोरी की, तो कुछ फिलहाल पता नहीं है, लेकिन 6 इंच की स्क्रीन है जिसका रेजोल्यूशन है 1440x2880 और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की आपको इसमें प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। 12 मेगापिक्सल का कैमरा है बैक में, फ्रंट में है 8 मेगापिक्सल का कैमरा। तो यार मतलब डुअल कैमरा सेटअप को मिस कर रहे हैं इस फोन में। और जो प्राइसिंग है वो भी बहुत हाई है स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो है 56,990 रुपीज़। यार मतलब खरीदेगा कौन मुझे ये समझ नहीं आता, आप भी मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा क्या ये इस प्राइसिंग में जस्टिफाइड है इसकी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, बिल्कुल यार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ जो अगली न्यूज़ आती है वो आती है एक गेम की तरफ से, जो गेम है वो है ड्रैगन बॉल जी का, जो कि एक मतलब बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा मतलब डाई हार्ट फैन हूँ मैं इस एनीमे का, मतलब मैं बता नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर मतलब गेम के बारे में बात चली तो बात कुछ ऐसी है कि जो ड्रैगन बॉल फाइटर्स गेम है वो लॉन्च हो चुका है, लेकिन कुछ मतलब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स इश्यूज थे जिस वजह से इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है। यानी आप मतलब जुगाड़ लगा लोगे कि आपके पास पहुँचेगा ये गेम, आपको जुगाड़ लगानी पड़ेगी। खैर अपन इंडिया वाले यहाँ जुगाड़ तो लगा ही रखते हैं, और आप भी मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं आपको क्या लगता है इंडियन जुगाड़ में अच्छे है या नहीं, और आप जो है इस गेम को ट्राई करना चाहते हैं या नहीं, या आपने पहले कभी ड्रैगन बॉल जी ज़ेनोवर्स ज़ेनोवर्स 2 वगैरह कभी ट्राई किए हैं या नहीं, प्लीज बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। फ्रेंड यहाँ जो अगली न्यूज आती है वो आती है डेल की तरफ से, तो डेल के जो प्रीमियम लैपटॉप है जो कि XPS 13 है, एक लैपटॉप जो कि आपको अल्ट्रा HD स्क्रीन जिसमें देखने को मिलती है, वो थर्सडे को इंडिया में लॉन्च कर दिए गए हैं। और जो प्राइसिंग है भैया वो बहुत ज़्यादा हाई है, यहाँ पर जो Dell XPS 13 फुल HD डिस्प्ले वाली स्क्रीन और i5 प्रोसेसर वाली जो वेरिएंट है उसकी कॉस्ट आपको 94,790 रुपीज़ देखने को मिलती है, वही अल्ट्रा HD स्क्रीन और i7 प्रोसेसर वाला वेरिएंट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 1,59,790 रुपीज़ का। तो मतलब इसमें 8GB रैम और मतलब 16GB रैम वाले वेरिएंट्स होंगे, और साथ में 256GB की 512GB की SSD दोनों वेरिएंट्स में होंगी। यहाँ पर मतलब प्राइसिंग बहुत हाई है, आप भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा क्या आपको लगता है इसके इन लैपटॉप्स के बारे में। फ्रेंड्स अगली न्यूज़ आती है वो आती है इन्फिनिक्स हॉट S3 की तरफ, जो कि एक सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन है और इंडिया में लॉन्च हो चुका है। स्पेशलिटी इस फोन की ये है कि आपको फ्रंट में आपको देखने को मिलता है 20 मेगापिक्सल का कैमरा, साथ में LED फ्लैश भी है। तो मतलब धड़ाधड़ सेल्फी कीजिए हाई क्वालिटी में, पोस्ट कीजिए सोशल मीडिया पर। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या मतलब सोशल मीडिया पर पोस्ट करना कितना पसंद है, दिन में कितनी वीडियोस पोस्ट कर देते हैं, मतलब फोटोज वगैरह सेल्फी कितने क्लिक करते हैं, कितने सेल्फी एडिक्टेड हैं, आप मुझे नीचे बताइएगा कमेंट्स में। तो यहाँ मतलब बात करते हैं यहाँ पर जो फोन है वो ओवरऑल मतलब आपने वीडियोस तो देखी नहीं होगी, फिर भी 5.7 इंचेस की 18:9 की एक्सपेक्ट रेशियो वाली स्क्रीन आपको देखने को मिलने वाली है। इसमें Qualcomm Snapdragon का 430 देखने को मिलने वाला है, 4000 mAh की बैटरी है, और साथ ही साथ यहाँ पर एंड्रॉइड 8.0.0 ओरियो का अपडेट आपको देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली यार बहुत अच्छी बात है, ओरियो आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड यहाँ जो अगली न्यूज आती है और जो लास्ट न्यूज है वो है गूगल प्लस की तरफ से। तो गूगल प्लस यार मतलब कोई ज्यादा इतना यूज तो नहीं करता, लेकिन फिर भी गूगल ने जो है यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट की है कि आपको गूगल का
ब्रांड न्यू वर्जन देखने को मिलेगा। तो देखते हैं यार यहाँ पर क्या होता, मतलब कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर गूगल प्लस के ब्रांड न्यू वर्जन को लेके, लेकिन यार देखते हैं क्या हुआ, क्या नया कर सकता है गूगल, है भाई कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड ये तो थी आज की कुछ कम मार्केट न्यूज़। आई होप इन कम मार्केट न्यूज़ में आपको कुछ मज़ा आया होगा। अगर आपको यार वीडियो पसंद आई हो, मज़ा आया हो, तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है आप लोगों से लाइक कीजिएगा वीडियो को, साथ ही साथ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छी वीडियोज़ बनाता हूँ और आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है यार, उसे दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और ये भी चाहते हैं कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा ही पसंद आती हैं, लगता है कि वीडियोस को मिस नहीं करना चाहिए, जैसे आती हैं मैं तुरंत देखूँ, तो बेशक यार वहाँ जाके आप वो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, जिससे होगा ये कि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, उस वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। तो बस यार आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लेना यार, बेल आइकन को दबा देना, और यार वीडियोस को लाइक करना, लाइक करना यार बहुत ज़्यादा धड़ल्ले में लाइक करो यार, सब वॉच टाइम चाहिए, सब्सक्राइबर्स भी चाहिए, मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ दिन की, दो वीडियोस पोस्ट करता हूँ यार आप लोगों के लिए, थोड़ा तो यार मतलब बंदा मेहनत कर रहा है, थोड़ा तो यार देखो। खैर ये तो रही बातें, बाद में बात कुछ नहीं है, आप चलते हैं अगली, मतलब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब से के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।